मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यकृत। मानव के पूरे जीवन काल में कुल कितने दांत होते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 52। क्योंकि दूध के दांतों की संख्या 20 होती है जो दोबारा उगते हैं। मानव में दोबारा उगने वाले दांतों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 20। मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जबड़े की हड्डी। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फीमर की हड्डी, जो जांघ में पाई जाती है। मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हृदय। मानव में पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मुख गुहा। मानव में भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, छोटी आंत। यकृत से कौन सा रस स्रावित होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पित्त रस। अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्टेपीज, जो कान में होती है। वयस्क मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 206 हड्डी। नवजात शिशु में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 270 हड्डियां। मानव शरीर में कितने प्रकार का ब्लड ग्रुप पाया जाता है? तो दोस्तों मानव शरीर में कुल 4 प्रकार का ब्लड ग्रुप पाया जाता है। सर्वदाता ब्लड ग्रुप किस ब्लड ग्रुप को कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ग्रुप ओ। इसका मतलब है ओ ब्लड ग्रुप वाले लोग किसी को भी खून दे सकते हैं। सर्वग्राही ब्लड ग्रुप किस ब्लड ग्रुप को कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ग्रुप ए बी। इसका मतलब यह हुआ कि ए बी ब्लड ग्रुप वाले लोग किसी से भी खून ले सकते हैं। सामान्य मानव का रक्तचाप कितना होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 120/80 मिलीमीटर। सामान्य मनुष्य में ब्लड की मात्रा कितना होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 6 लीटर। रेड ब्लड सेल्स का जीवन काल कितना होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 120 दिन। रक्त का थक्का बनाने में सहायक है ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन के। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विटामिन के। रक्त परिसंचरण का खोज किसने किया था?
तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विलियम हार्वे। रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 7.4। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? ऑप्शन ए होमो सेपियंस, ऑप्शन बी फेलिक्स डोमेस्टिका, ऑप्शन सी राना टिग्रीना, ऑप्शन डी बॉस इंडिकस। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, होमो सेपियंस। मानव हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए नेफ्रोलॉजी, ऑप्शन बी कार्डियोलॉजी, ऑप्शन सी माइकोलॉजी, ऑप्शन डी मैमोग्राफी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कार्डियोलॉजी। मानव मस्तिष्क का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए नेफ्रोलॉजी, ऑप्शन बी कार्डियोलॉजी, ऑप्शन सी माइकोलॉजी, ऑप्शन डी न्यूरोलॉजी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, न्यूरोलॉजी। मानव किडनी का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए न्यूरोलॉजी, ऑप्शन बी कार्डियोलॉजी, ऑप्शन सी नेफ्रोलॉजी, ऑप्शन डी माइकोलॉजी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नेफ्रोलॉजी। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तंत्रिका कोशिका। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अंडाणु कोशिका। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शुक्राणु। मनुष्य के नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तल लेंस। अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? ऑप्शन ए 25 मीटर, ऑप्शन बी 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी अनंत, ऑप्शन डी 100 मीटर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 25 सेंटीमीटर। अस्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी कितनी होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनंत। निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस लगाया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अवतल लेंस। दूर दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस लगाया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तल लेंस। जरा दृष्टि दोष में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बाईफोकल लेंस। ब्रेस्ट कैंसर के लिए कौन सा जांच होता है? ऑप्शन ए मैमोग्राफी, ऑप्शन बी अल्ट्रासाउंड, ऑप्शन सी सीटी स्कैन, ऑप्शन डी एक्सरे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मैमोग्राफी। मनुष्य में गुणसूत्र के कितने जोड़े मौजूद होते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 23 जोड़ी। कुनैन किस पौधे से प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन ए अफीम, ऑप्शन बी सिनकोना की छाल, ऑप्शन सी तंबाकू, ऑप्शन डी कवक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिनकोना की छाल। हीरोइन किस पौधे से प्राप्त किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अफीम। मॉर्फिन किस पौधे से प्राप्त किया जाता है? तो
दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अफीम। पेनिसिलिन किस पौधे से प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन ए कवक, ऑप्शन बी तंबाकू, ऑप्शन सी सिनकोना की छाल, ऑप्शन डी इरिथ्रोजाइलोन कोका। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कवक। एस्पिरिन किस पौधे से प्राप्त किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिलो नामक पौधा से। अनुवांशिकता का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए ग्रेगरी मेंडल, ऑप्शन बी एडवर्ड जेनर, ऑप्शन सी रॉबर्ट कोच, ऑप्शन डी कार्ल बेंज। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ग्रेगरी मेंडल।